अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम जैसे जूम में मीटिंग शेड्यूल करते थे, तो इसमें हम कैसे मीटिंग शेड्यूल करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले कैलेंडर में जाएंगे। यहाँ पे न्यू मीटिंग को चूज़ करेंगे। यहाँ पे मीटिंग का हम टाइटल बताएंगे। यहाँ पे हम उसको डेट और टाइम बताएंगे कि कब हम शेड्यूल करना चाहते हैं। जैसे हमने बता दिया इसमें कि हम 10 तारीख की सुबह 11 बजे की एक मीटिंग रखना चाहते हैं, तो हमने इसमें मेंशन कर दिया 11 AM। इसमें मीटिंग 24 आवर्स तक की हो सकती है, इसलिए हम इसमें अपना शेड्यूल बना लेंगे कि हमने कितने मिनट की रखनी है। यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 40 मिनट्स की मीटिंग रखनी है, तो यहाँ पे 40 टाइप कर देंगे, तो ये 40 मिनट की बन जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये मीटिंग डेली हो, तो ऑल डेज के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चैनल का नाम ऐड करेंगे जिसमें हम मीटिंग को शेड्यूल करना चाहते हैं। हमने डेमो के जनरल चैनल में ये मीटिंग पोस्ट की है। डेमो हमारी टीम का नाम है और जनरल हमारे चैनल का नाम है जिसके अंदर हमने मीटिंग पोस्ट की है। अगर हम कोई और डिटेल डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डाल देंगे और उसके बाद हम इसको सेंड कर देंगे। ये डेमो ग्रुप में मीटिंग जो है वो शेड्यूल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास वर्क वीक दिखा रहा है, यहाँ पे हम वीक करेंगे तो ये हमें सैटरडे तक दिखाएगा, अदरवाइज ये हमें जो वर्किंग वीक है वो हमारे मंडे से लेके फ्राइडे तक ये इस तरह से शो करेगा। अभी हम वीक वाइज देख सकते हैं और यहाँ से हम आगे मूव ऑन करके देख सकते हैं कि कब हमने मीटिंग शेड्यूल की हुई है। हमने एक मीटिंग शेड्यूल की थी कंप्यूटर साइंस की 11 बजे की, तो ये यहाँ पे आ रही है वो मीटिंग। अब हम क्या करेंगे कि मीटिंग ऑप्शंस को भी सेट करेंगे। अगर हम ये मीटिंग ऑप्शन सेट नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जो हैं एक दूसरे को म्यूट कर सकते हैं, और इवन जो हम कह सकते हैं ऑनर है टीम का, उसको भी म्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक बार मीटिंग जब शेड्यूल कर लेंगे, कैलेंडर में जाएंगे उस मीटिंग के ऊपर, और मीटिंग ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे हम मीटिंग ऑप्शंस को जैसे ही चूज़ करेंगे, ये ब्राउज़र में हमारे अकाउंट को ओपन करेगा, और उस वहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी हम एज ए ऑनर बात कर रहे हैं, तो हम ऑनर अकाउंट में लॉगिन करेंगे और वहाँ से जाके ऑनर को प्रेजेंटर बना देंगे। यहाँ पे जाके मैं अभी अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि ये मीटिंग मैंने शेड्यूल की है। तो मीटिंग में जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा इसको, यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा मीटिंग ऑप्शंस, और इसके अंदर हमारे पास एक फैसिलिटी होगी जिसके अंदर हम ऑनर को प्रेजेंटर बना देंगे। ये देखिए हु विल प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे एवरीवन की जगह पे यहाँ पे चूज़ करके ओनली मी करना है आपने। ये करना ज़रूरी है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो कोई भी बच्चा उसमें प्रेजेंटर बन सकता है, कोई भी बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। तो वो चीज़ हम अगर चाहते हैं कि नहीं करे कोई बच्चा, तो हम उसके लिए यहाँ पे जाके ओनली मी कर देंगे और डन कर देंगे। उसके बाद हमारा इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको बंद कर देते हैं हम। ये मीटिंग हमारी अब शेड्यूल हो चुकी है प्रॉपरली, अब इसको हम क्लोज डाउन कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि टीम्स के अंदर ये देखिए ये मीटिंग यहाँ पे आ जाएगी उस डिज़ायर टाइम के ऊपर। अब मीटिंग को स्टार्ट कर लीजिए। आप क्या करेंगे मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, यहीं पे जाएंगे, इस मीटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ये ज्वाइन वाली ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे, तो वो हमारी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं ऑडियो भी, अभी ये हमें जो एंटीवायरस है वो एक हमें वेबकैम को अलाउ करने की परमिशन मांग रहा है, हम इसको अलाउ कर देंगे। ये सभी के कंप्यूटर में या लैपटॉप में नहीं होगा ये ऑप्शन, ये नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर में, क्योंकि एंटीवायरस कोई डला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये
उसने हमसे पूछ लिया है कि वो वेबकैम को अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद। ज्वाइन करने से हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। मीटिंग के स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये हमारे पास कैमरा ऑन ऑफ करने की फैसिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास माइक को म्यूट अनम्यूट करने की फैसिलिटी है। हमारी माइक को यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं। शेयर करते हुए हम डेस्कटॉप को शेयर कर सकते हैं या फिर हमारी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास मोर ऑप्शंस में जाएंगे हम तो ये कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे हमारे पास। इसमें हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी मीटिंग रिकॉर्ड होगी वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम्स के ऊपर चली जाएगी और बाद में वो आपको पोस्ट में नज़र आएगी। सभी बच्चों को वो मीटिंग, अगर आप मान लो कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता आज की मीटिंग, तो वो कल को आके इसी वीडियो को देख के मीटिंग में क्या हुआ या क्या बातचीत हुई वो सब देख सकता है। एंड मीटिंग अगर हम करना चाहते हैं तो एंड मीटिंग ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की वीडियो हमें दिखाई ना दे तो टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो कर देंगे हम। ये हैंड रेज की ऑप्शन है। ये हमारे पास यहाँ पे शो कन्वर्सेशन की ऑप्शन है। यहाँ पे हमने जनरली चैट ऑफ कर रखा है तो चैटिंग ऑप्शंस बच्चे के साथ अवेलेबल नहीं रहेंगी। बच्चे को माइक को अनम्यूट करके ही बोलना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट पे जाएंगे तो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे हम किसी बच्चे को आगे मोर ऑप्शंस पे जब हम क्लिक करेंगे, अभी तो यहाँ पे ये बच्चे ज्वाइन नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे म्यूट की ऑप्शन आ जाएगी बच्चे के। और यहाँ पे अगर हमारी टीम बड़ी है तो उसके बाद म्यूट ऑल की ऑप्शन भी आ जाएगी हमारे पास। मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो हम किसी भी, अगर हम चाहते हैं कि जो मीटिंग में बच्चे हैं उनका अटेंडेंस ले लें, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट पे। तो यहाँ से वो हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगी अटेंडेंस। यहाँ से ये जो हैंग का बटन बना हुआ है इसको हैंग नहीं करना है हमने। अगर हम हैंग करते हैं तो हम वहाँ से लीव कर जाएंगे और हमारी मीटिंग फिर भी कंटिन्यू रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि मीटिंग एंड हो जाए तो यहाँ पे जाके तीन डॉट्स पे जाके एंड मीटिंग हमें करना है। मोबाइल में हो सकता है ये ऑप्शन आपको एंड मीटिंग की अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे आपको हैंग ही करना पड़े। उससे पहले आपको बच्चों को भी हैंग करने के लिए कहना पड़ेगा। एक बार जब सब बच्चे हैंग ऑन हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप खुद भी हैंग अप करके मीटिंग को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं मीटिंग को एंड यहाँ पे क्लिक करके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे के पास इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइनिंग की ऑप्शन आएगी और जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ज्वाइन की ऑप्शन आएगी तो बच्चा उसको ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है मीटिंग को। तो इस प्रकार से हमने मीटिंग को शेड्यूल करना है।